क्या एचटेट और बीएड से एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2015 के उम्मीदवारों को भी राहत मिल सकती है? 18/4/2022 का ये मेमो जो है सुर्खियों में बना हुआ है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि इससे जो हजारों शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत मिली है एचटेट और बीएड की अगर बात की जाए तो। जी हाँ, मामला है हुड्डा सरकार में भर्ती 4000 पीजीटी शिक्षकों का, और जो चयनित पीजीटी भर्ती के समय एचटेट पास तो बीएड जरूरी नहीं, ये खबर भी प्रकाशित हुई है। बाकी क्या है पूरा मामला, इसी के ऊपर एक नज़र डालेंगे, और इसके पैरेलल जो कोर्ट केसेस चले हुए हैं उनकी अब आगे आने वाले समय में क्या दशा और दिशा रहेगी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के प्रमुख समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि 4000 शिक्षकों को नहीं करनी होगी एचटेट और बीएड, और इसको लेकर जो ये खबर प्रकाशित हुई है इसमें साफ तौर पर बड़ी राहत है। जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2012 के तहत नौकरी प्राप्त की थी, और उसमें जो एचटेट और बीएड पास करने की कंडीशन थी जिसे समय समय पर सरकार ने बढ़ाया था, उसे अब ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया है। बाकी इसको लेकर हमने पिछला वीडियो बनाया था, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को उस मेमो के साथ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो खबर प्रकाशित हुई है उसको लेकर, और सबसे पहले जो ये खबर प्रकाशित हुई है हम इसकी अगर बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि 4000 शिक्षकों को नहीं करनी होगी एचटेट बीएड। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने करीब 4000 नॉन एचटेट व नॉन बीएड प्राध्यापकों को राहत दी है। इन शिक्षकों को भविष्य में एचटेट और बीएड करने की ज़रूरत नहीं होगी और वह सेवा में बने रहेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। 2013 में जारी एक विज्ञापन के तहत 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर नॉन एचटेट और नॉन बीएड नियुक्त प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र में 1 अप्रैल 2015 तक एचटेट व बीएड पास करने की शर्त रखी गई थी। शिक्षक इस शर्त का विरोध कर रहे थे। हरियाणा के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोमवार को एक आदेश जारी कर अब इस शर्त को उनकी नियुक्ति की शर्त से हटा दिया है। अब भविष्य में इन शिक्षकों को एचटेट और बीएड पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है, और काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर काफ़ी संघर्ष किए जा रहे थे। बाकी वर्ष 2015 में नियुक्ति के दौरान लगाई गई थी एचटेट व बीएड पास करने की शर्त। लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को सराहा है। बाकी आप जो ये खबर है ये देख रहे हैं, आज के प्रमुख समाचार पत्र की जो है सुर्खियाँ बनी हुई है ये खबर, और इसमें जो एचटेट पास करने की और जो बीएड पास करने की आवश्यकता अब नहीं होगी, जो शर्त थी उसे हटा दिया गया है। बाकी आपको बता दें कि हुड्डा सरकार में भर्ती हुई थी ये 4000 पीजीटी शिक्षक, और इसमें अगर दूसरे समाचार पत्र की बात की जाए तो उसमें भी यही खबर प्रकाशित हुई है कि चयनित पीजीटी भर्ती के समय एचटेट पास तो बीएड जरूरी नहीं। जी हां साथियों, वर्ष 2012 में बीएड या एचटेट दोनों में एक पास भी बना रहेगा नौकरी में और बाकी को मिलेगा मौका। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत है सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने 1/2012 जो एडवर्टीजमेंट नंबर थी उसके तहत आवेदन किया था और जो नौकरी में बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जी हां साथियों, वर्ष 2012 में बीएड या एचटेट दोनों में एक पास भी बना रहेगा नौकरी में, बाकी को मिलेगा मौका। प्रदेश सरकार ने करीब 4000 उन लेक्चरर्स को राहत दी है जो वर्ष 2012 में भर्ती हुए थे। सरकार ने नियमों में छूट दे दी है, इससे इन लेक्चरर्स के मन में जो नौकरी जाने का भय बैठा हुआ था वो अब खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग के ACS महावीर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी चयनित पीजीटी भर्ती के समय एचटेट पास था उसे बीएड की ज़रूरत नहीं है। जो 4 वर्ष के अनुभव के साथ बीएड पास था उसे एचटेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भर्ती के वक्त एचटेट और बीएड दोनों में ही पास नहीं था उसे भविष्य में एचटेट और बीएड दोनों पास करने होंगे। ये एक बड़ी खबर है जो प्रकाशित हुई है। सरकार की ओर से दी गई छूट से करीब 3000 पीजीटी को राहत मिल गई है, क्योंकि कोई बीएड किए हुए था तो कोई एचटेट पास था। बताया गया है कि करीब 50 पीजीटी ऐसे हैं जो न तो बीएड किए हुए थे और न ही एचटेट पास थे।
ऐसे में ACS ने आदेशों में कहा है कि उन्हें भी बीएड व एचटेट के लिए मौका दिया जाएगा, तो इससे सभी में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और दौड़े भी क्यों ना। बाकी अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आपको बता दें कि वर्ष 2012 में हुड्डा सरकार ने 14,000 PGT की भर्ती की थी। जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें एचटेट और बीएड की अनिवार्यता नहीं दिखाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2013 से लेकर मई 2014 तक चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए तो उनसे कहा गया कि वे अप्रैल 2015 तक बीएड और एचटेट पास कर लें। ऐसे में सिर्फ एमए पास के आधार पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि तब तक 1998 के जो नियम थे वो लागू थे, जो सर्विस रूल्स थे अगर उनकी बात की जाए तो, जिसके अनुसार एमए की डिग्री के आधार पर पीजीटी कर चयन होता था। और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, हालांकि बाद में सरकार ने यह समय बढ़ाकर अप्रैल 2018 तक कर दिया था। और उसके बाद जो है कुछ जो चयनित थे वो फिर से कोर्ट चले गए, और उसके बाद अनेक जो चयनित ये पास नहीं कर पाए थे तो उनको जो है 2022 तक का वक्त और दे दिया गया था, और अब आगे का समय दिया जाना था। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये वाकई में बड़ी राहत भरी खबर है उन सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए। लेकिन अब बात करते हैं जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इन्हीं का हवाला देकर, उसके बाद भी जो भर्ती निकली थी अगर उनकी बात की जाए तो उनके केसेस भी हाल ही में कोर्ट में पेंडिंग हैं और उनके नतीजे भी आने बाकी हैं। और इस जो छूट जो ये दी गई है, अगर इस छूट की बात की जाए तो क्या इसका असर उन केसेस के ऊपर पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार किस तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी अगर उस भर्ती की भी बात की जाए तो, क्योंकि जो सेवा नियम थे, जो सर्विस रूल्स थे वो 1998 के भी फॉलो किए गए हैं, और जो वर्ष 2012 के सर्विस रूल्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये जो कार्यवाही है ये की गई है, और कोर्ट में भी यही पक्ष रखे जा चुके हैं। और अब इनके ऊपर जब बहस होगी तो नतीजे यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल सकते हैं साथियों। बाकी जिन साथियों ने केस किया हुआ है, अब अगर उनकी बात करें, विशेषकर जो फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो साथियों आपको पता होगा कि इन सब विषयों का जो एचटेट है वो शुरू ही वर्ष 2014 से हुआ था, और उसमें सर्विस रूल जो 2012 वाला मामला है वो कितना सटीक बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो छूट है वो इन उम्मीदवारों को भी दी गई थी। अगर बात की जाए आवेदन की तो इसी को लेकर साथियों जो केसेस हैं वो फाइल हुए और कोर्ट से उनको राहत भी मिली थी अप्लाई करने के लिए, और इसी के चलते जो कई उम्मीदवार हैं उन्होंने बाद में एचटेट की जो परीक्षा है उसे उत्तीर्ण भी किया, लेकिन जो एचटेट है वो उनको जो साक्षात्कार है उस समय तक पास करना था, और जिन्होंने पास किया वो सब चयनित भी हो गए, और जिनका अनुभव था 4 वर्ष का अगर उनकी बात की जाए तो वो भी इस पूरे मामले को लेकर चयनित हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज तक भी एचटेट उत्तीर्ण नहीं किया है, और कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने बीएड भी नहीं की है, तो उनका क्या होगा। अगर इन सब मामलों में राहत सरकार दे सकती है तो जो उम्मीदवार कोर्ट केस किए हुए हैं और अभी भी नियुक्ति की बात जो रहे हैं, क्या उनको राहत मिल सकती है या सरकार उनके लिए भी कुछ राहत ला सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनको मेरे ख्याल से मिलकर प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी राहत कहीं ना कहीं मिल सकती है ये खबर आने के बाद। और जो वर्ष 2012 की जो ये एडवर्टीजमेंट थी उसमें सरकार द्वारा राहत दिए जाने के बाद उनको भी अब कहीं ना कहीं जो आशा की किरण है वो नज़र आ रही है, तो इसमें सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। बाकी आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले पीजीटी को लेकर एक एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश की गई थी, अगर बात की जाए एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2014 की, तो उसमें कई विषयों की जो विज्ञापन थे वो निकाले गए थे और उसे बाद में समय समय पर एक्सटेंड भी किया गया था, यानी कि री एडवर्टीज भी किया गया था उन पोस्टों की। अगर बात की जाए तो उसमें अगर बात करें पीजीटी फाइन आर्ट्स की, म्यूज़िक की, कंप्यूटर साइंस की, तो कई ऐसे प्रैक्टिकल
विषय थे जिनको लेकर हाल ही में कोर्ट केसेस हैं वो चल भी रहे हैं और अभी उनके नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन अगर वो मिलकर प्रयास करेंगे तो सरकार उनके बारे में भी सोच सकती है। और विशेषकर अगर बात की जाए फाइन आर्ट्स की, तो आपको बता दें कि उस समय पीजीटी फाइन आर्ट्स के 714 के करीब जो है पद विज्ञापित हुए थे और उनमें से 150 के करीब पदों के ऊपर अब तक नियुक्ति हुई है, बाकी सभी के सभी जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। और उसमें भी जो कंडीशन थी वो एचटेट की थी, और अगर सरकार इनको छूट दे सकती है तो उन्हें भी छूट मिल सकती है। जी हाँ साथियों, ये बड़ी गौर करने वाली बात है, लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। और इसमें जो एसोसिएशन लोगों ने बना रखी है, जो उम्मीदवारों ने अपनी बना रखी है, वो प्रॉपर प्रयास कर भी रही है, लेकिन एकजुट होकर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रयास करना पड़ेगा तो उनको भी राहत मिल सकती है। और अगर ये राहत मिल जाएगी तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर जो स्कूल हैं उनमें टीचरों की कमी बनी हुई है, बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे, और सरकार इसके ऊपर सोच विचार कर सकती है अगर बात की जाए पीजीटी फाइन आर्ट्स की तो, क्योंकि साथियों यहां पर बच्चों को शिक्षकों की बहुत जरूरत है। और एचटेट जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो इतने नहीं हैं कि इन सब पदों को भरा जा सके, और अगर उनकी भी बात की जाए, अगर सरकार उनको भी लगा देती है तो भी ये पद खाली रहते हैं। और जो अपना दावा है, जो उम्मीदवार हैं जो उस समय भर्ती में थे और उन्होंने एचटेट की जो छूट को लेकर केस किए हुए हैं, वो अब यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हाल ही में जो छूट है वो वर्ष 2014 की जो हुड्डा सरकार थी उस समय जो दी गई थी जो छूट एचटेट की, वो अब एकदम ख़त्म कर दी है। अब भविष्य में उनको किसी भी तरह की एचटेट या बीएड जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और इसी को अगर देखा जाए इससे जोड़कर तो उनको भी राहत मिल सकती है जो हाल फिलहाल में इस दौड़ में बने हुए हैं। तो आप अगर कहेंगे तो इनके ऊपर हम एक और वीडियो डिटेल में बना भी देंगे हर तथ्यों के साथ, उसमें हम चर्चा भी करेंगे। बाकी आपके अगर कोई सुझाव हैं इस भर्ती को लेकर या जिनके ऊपर अभी कोर्ट केस चले हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में भी अगर कोई भी दस्तावेज हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे। आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।